नमस्कार, मैं हूँ भानु प्रताप सिंह। आज मैं मथुरा ज़िले में डॉक्टर जेएस जाट साहब के यहाँ क्लिनिक पर हूँ, कला नर्सिंग होम एंड होम रिसर्च सेंटर। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ कोकला जाट के बारे में जानकारी करने के लिए। ऐसा वीर, ऐसा महावीर जिसने आज से 423 वर्ष पहले औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। अभी मैं सिहोरा गाँव घूमकर आया हूँ उनके बारे में जानकारी करने के लिए, पर गांव के लोग कुछ पता नहीं है। उन्होंने घूम फिर कर मुझे डॉक्टर साहब का नंबर दिया, उनको बताइए उनका क्या है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारा काम किया हुआ है, डॉक्टर साहब ने कोकला जाट के बारे में इसे जानेंगे। कोकला जाट का मतलब क्या संबंध है, सिहोरा गांव में क्या हुआ, तिलपत गढ़ी कहाँ है और क्या घटनाक्रम मथुरा जिले में हुआ है, डॉक्टर साहब बताइए प्लीज़। मैं अखिल भारतीय आदर जाट महासभा से डॉक्टर जे एस जाट। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि गुमनामी के अंधेरे में पड़े हुए ऐसे महान वीर योद्धा को आपने पुनः स्मरण किया है, जो कि 350 वर्षों से किसी ने भी नहीं इस पहलू को छुआ, न इस विषय पर चर्चा की। ऐसे महान योद्धा को यदि ये सिख धर्म में पैदा हुए होते तो गुरु तेग बहादुर की तरह इनका शीशगंज गुरुद्वारा बन गया होता। ऐसे महान योद्धा हैं। सबसे पहले तो वीर गोकुला जी को नमन करूँगा। वीर गोकुला जी लाल पगड़ी वाले हैं, इनका परिवार है जो सिंसिनी में, जो भरतपुर जिले में पड़ती है, वहाँ रहता था। औरंगजेब की वजह से ये आ गए गोकुल में। गोकुल में आने की वजह से इनका बचपन का नाम था ओला। गोकुल में आने की वजह से गोकुला नाम पड़ा। इनकी एक बहन थी भंवरी देवी और इनके साथ में एक उदय सिंह उर्फ मारू ताऊ, जिनकी जिंदे की खाल उतारी गई थी और इनके टुकड़े टुकड़े करके डाले थे 1 जनवरी 1670 को औरंगजेब ने रसूल के रास्ते पर चलने के लिए। सबसे पहला विद्रोह इन्होंने जो नंदराम थे मुरसान के राजा, उनका हत्या कर दी, धोखे से राज को हड़प लिया औरंगजेब ने। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर है तो 5 कदम दिल्ली की ओर, 5 कदम आगरा की ओर यहाँ के ब्राह्मणों ने वीर गोकुला को अपना राजा नियुक्त किया। तो वीर गोकुला के साथ में 20,000 की अनट्रेंड सेना, अप्रशिक्षित सेना थी जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं। उन्होंने 1668 को अब्दुल नबी, जो कि उसका जमींदार था, लगान वसूल करने के लिए वीरभूमि शिहोरा में आया। उस समय शिहोरा जमुना जी के किनारे था, जहां मई रायपुर वाली मैया बोली जाती, उसे शिहोरा वाली मैया के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा। तो यहां पर था। जब आया तो लगान वसूलने की बात आई तो वीर गोकुला ने पहला प्रहार उस पर किया और गोली मारते ही 10 मई 1668 को अब्दुल नबी को गोली से मार दिया जी। और उसके बाद में अपने विद्रोह की चिंगारी, पहला किसान विद्रोह औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत के खिलाफ किया, वो वीर गोकुला के नेतृत्व में हुआ जी। उसके बाद महावन की गढ़ी और सादाबाद की गढ़ी में उन्होंने आग लगा दी। इसकी लपटों से दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला जो दहल उठा। औरंगजेब ने, जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो अकबर नहीं गए थे लड़ने के लिए, ब्रह्मदत्त भदौरिया गए थे, मान सिंह गए थे, उनका सगा भाई शक्ति सिंह गया था, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब को आना पड़ा था। और ये युद्ध 5 दिन चला, 5 दिन युद्ध हुआ जिसमें महिलाओं ने बड़ी बहादुरी के साथ में युद्ध लड़ा। महिलाएं गोला भर के बंदूकें देती थीं और ये प्रहार करते थे। 7 दिन जो वो 5 दिन जो चलने के बाद में 13,000 अप्रशिक्षित सेना इनकी मारी गई, लेकिन इन्होंने विजय हासिल की। औरंगजेब की सेना को सफ़ेद ध्वज दिखा करके अपना जो हार माननी पड़ी। उसके बाद हसनउल्लाह खान के नेतृत्व में दिल्ली से ताज़ा तरीन सेना आई और जब तक ये अपने मतवाले अंदाज में जो भूल चुके थे कि हम क्या हैं, और दूसरी तरफ से घेर लिया गया और इनको 7,000 किसानों को वीर गोकुला और मारूताऊ के साथ में अरेस्ट कर लिया गया। जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो ये बात है आपकी नवंबर सितंबर की बात है। उसके बाद जनवरी में 1 जनवरी 1670 को दीवाने खास के सामने, जहां मयूर सिंहासन होता था जिसे महाराजा सूर्यमल जी ले गए विजय, आगरा विजय के बाद में, वहां पर दीवाने खास के सामने इनको बोला गया, यह तू हमारी 10 शर्तें मान लेता है तो हम तुझे जमींदार बना देंगे, मथुरा का किलेदार बना देंगे, तू हमारे रसूल के रास्ते पर चल। तो वीर गोकुला ने औरंगजेब के मुंह पर थूकते हुए कहा, यदि यही तेरा रसूल का रास्ता है तो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और 7,000 किसान जो थे
उनको उसने तत्काल प्रभाव से उस कुएं के सामने जो दीवाने खास के सामने था 1 जनवरी 1670 को काट के डाल दिया। और एक लोगों में भय व्याप्त करने के लिए कोतवाली चौक, उस समय की कोतवाली थी लाल किले के नीचे जो वर्तमान में भी है, वहाँ पर है जो उनको काटने का आदेश दिया कि धीरे धीरे आरे से काटा जाए। और जो माड़ू ताऊ थे इनके, जिन्हें उदय सिंह भी बोला जाता था, उनकी जिंदगी खाल उतारी गई और वीर गोकुला जी को टुकड़े टुकड़े करके काटा गया। इनका पहला जो बार चला जल्लाद का बाएं हाथ पर, उसके खून का फुब्बारा छूटा। खून का फुब्बारा छूटने के कारण उस स्थान को फुब्बारा चौक के नाम से भी जाना जाता है। और उसी दिन 1 जनवरी 1670 को ही केशव देराय मंदिर, जिसे हम जन्मभूमि कहते हैं, और जिसके बाद में जो ईदगाह बना हुआ है, मस्जिद बनी है, उसको केशव देराय मंदिर को भी शहीद कर दिया गया, उसका भी विध्वंस कर दिया गया। वीर गोकुला जी की शहादत और 7000 किसानों की शहादत इस जन्मभूमि से भी जुड़ी हुई है और हमने इसे विस्मृत कर दिया है। उस जगह पर एक हनुमान मंदिर बना है, फुवारा चौक पर अग्रसेन की पीतल की मूर्ति रखी है, जिससे हमने 2 वर्ष पहले वीर गोकुला जी की मूर्ति वहाँ रखाई थी पुजारी के सहमति से, किंतु जगन प्रसाद गर्ग जो भाजपा के विधायक थे, उन्होंने पुलिस भेज करके हम लोगों को वहाँ से हटाने का काम किया। हमने उस पर विरोध भी प्रदर्शन किया, हमने कि साल में हमें एक दिन चाहिए और 1 फुट जगह चाहिए। उन्होंने कह दिया अपने घर पर रख लो या मेरे घर पर रख दो, तुम्हारे यहाँ जगह नहीं। ये तो कर विवादित बात है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका उन्होंने भी सम्मान नहीं दिया। दूसरा, इनसे संबंधित इनकी बहन भंवरी देवी, वो घटनाक्रम कहाँ पर हुआ, क्या ये तुलू 74 है, जिसे तलपत का मैदान कहते हैं। ये तुलू 74 है, बिसावर के पास में। अच्छा। हाँ, महावन और सादाबाद की घड़ी के बीच में वो स्थान है, वहाँ ये युद्ध हुआ, जिसे तलपत का मैदान भी कहते हैं। कुछ तथाकथित विद्वान इतिहासकार कहते हैं कि वो हरियाणा में हुआ था, जबकि हाँ तिलपत जो हरियाणा में है, वहाँ पर जो घटना हुई थी वो हुई थी काना रावत की। काना रावत जी जो रावत पाल है वहाँ, उनको वहाँ पर जमीन में गाड़ करके उनकी गर्दन कलम की गई थी, वो तिलपत का मैदान। दूसरा, ये तुलू 74 वाला है जो बिशावर यानी महावन की घड़ी और सादाबाद की घड़ी के बीच में विद्वान है। मथुरा से जाएंगे आप तो वीरभूमि शिवरा से, आप बलदेव रोड गौशाला होते हुए, बलदेव होते हुए आप बिसावर जा सकते हैं। उस बिसावर के बाईं तरफ गांव है तलू 74, दो गांव है, 74 अलग है, तलू अलग है, उसी तलू को तलपत का मैदान कहते हैं। अच्छा। उसी समय जब औरंगजेब यहाँ सेना लेके आया था, तो लोग कहते हैं, एक आपने सुना भी होगा कि जैसे ही ये मंदिर नहीं टूटा बलदेव का, वहाँ ततैया और बिच्छू और ये ततैया और मधुमक्खी लग गए थे, तो उन किसानों को इन्होंने वीर गोकुला की सेना को ततैया और उसे मधुमक्खी से तुलना की है। अच्छा, ओके। जबकि ऐसा कुछ नहीं, ततैया और मधुमक्खियाँ नहीं लगी थी, वो 20,000 सेना थी, तैनात थी, उसने बलदेव तक नहीं आने दिया, जिससे बलदेव के मंदिर को विध्वंस करके तोड़ देता। इसके बाद ये लोहवन है, लोहवन में भी गोपीनाथ बाबा का मंदिर है, वो भी नहीं तोड़ पाया, यानी उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया, ये चीज़ थी। और उसके बाद उनकी बहन का, भंवरी देवी का, जब गोवर्धन की प्रकम्मा देते समय हसनुल्लाह खान सिफन शह खान, जो उसके सिपहसालार सेनापति थे, वो हिंदू लड़कियों को उठा करके ले जाते थे जमुना जी के किनारे किनारे, आगे सामने जमुना जी बह रही हैं, ये जमुना जी के किनारे से ले जाते थे और औरंगजेब के हरम में, यानी एक दिन की रान बेगम बनाने के लिए, उसके बाद वो अपने सेनापतियों को समर्पित कर देता था। ये भी कहना है कि हिंदू लड़कियों के स्तनों पर पकड़ करके और स्तनों पर चढ़ करके वो जो अपने दीवाने खास सिंहासन तक जाता था औरंगजेब। जब भंवरी देवी, हरियाली तीज का समय था, सावन भादों का महीना, हरियाली तीज पर अपनी सहेलियों के साथ में मल्हार गाने के लिए पहुंची, तो एक बाग है बिशावर के पास में, उस बाग में ये 26 सहेलियाँ थीं और 26 में जो नृत्य गायन और मल्हार गा रही थीं, और गाते गाते ही सिफन शह खान और हसनुल्लाह खान है जो आकर के बोले कि आज तो हम अपने बादशाह के लिए तुम्हें लेके जा रहे हैं, तुम आज बेगम बनोगी। उन्होंने उनके मुंह पर थूकते हुए लेजम और पटली से प्रहार करते हुए कहा, यदि ऐसा ही है तो तू अपने बादशाह की बेटी को मेरे भाई
वीर गोकला के लिए भी आदि। अच्छा। और मुंह पे थूक दिया, उससे वो काफी गुस्सा हो गए और एक संग्राम सा छिड़ गया। भंवरी देवी जो वीर गोकुला की बहन थी, बड़ी ही रूप से बड़ी सुंदर और वीरांगना थी, उसने वीरता का परिचय देते हुए सभी सहेलियों से कहा है कि हमें इन दुष्टों के हाथ में नहीं आना है और अपनी लाज बचानी नहीं है, इनके प्राण हरने हैं। उनके प्राण हरने के लिए उसने जो रस्सी होती है और पटली होती है उससे प्रहार करते हुए घोड़ों को गिराया, उनकी तलवारें छीनी, उसी से प्रहार करके उनको घायल अवस्था में भगा दिया। उसके बाद जैसे ही उन्हें देखा ये भग गए हैं तो खुशी के मारे जो हर्षोल्लास में पुनः एक होने लगी। जैसे इकट्ठी हुई सभी, गले मिल रही थी, उस समय जाते जाते एक सैनिक ने, सिफन शाह खान ने, उन 2600 बहनों को गोली से भून दिया। अच्छा। गोली से भूनने के बाद में जैसे ही ब्रजवासियों को मालूम पड़ी कैसे ऐसे हो गया, 26 बहनें जो हमारी शहीद हो गई हैं वो गए, उन्होंने उनकी स्मृति में उसी बाग में उन 2600 बहनों को जो अंतिम संस्कार किया। उसके बाद प्रत्येक हरियाली तीज को हर्षोल्लास के साथ में मेला लगाने के लिए पूरे ब्रज में किया। जब से है जो हरियाली तीज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और लोग हरे कपड़े पहन करके और उनकी बहनों की भंवरी देवी और उनके साथ में जो शहीद हुई थी उन बहनों को स्मरण किया जाता है। लेकिन सने सने देखा गया अंग्रेजों का काल आया, अपने इतिहास को हम विस्मृत करते गए और उन बहनों के बारे में नहीं। और उसी की वजह से, उसी बाग की वजह से पेशावर के पास में एक बाग का नगला है। अच्छा। उसी स्थान पर बाग का नगला है। अच्छा। हाँ, तो आप वहाँ जा करके देखेंगे तो बाग का नगला भी है गांव, और आप वहाँ देखेंगे वो बहनों की, ये एक फॉरेंसिक करके थे, उन्होंने तो अपनी जमीन देने का भी कह दिया था, लेकिन कुछ हमारी व्यस्तता कहिए या कुछ क्षेत्र के लोगों का लगाव नहीं है इतिहास में, या अपने लोगों के बारे में नहीं करते हैं कुछ जानकारी महापुरुषों के बारे में, उसका नतीजा ये है कि वहाँ पर है क्या बाग का? अब वहाँ पर कोई ऐसा स्मृति चिन्ह नहीं है, 350 वर्ष हो गए, उसके बाद में काफ़ी मुगलों का भी समय रहा, उन्होंने भी स्मृतियाँ छिन्न भिन्न कर दी, उसके बाद कई युद्ध हुए और उसके बाद अंग्रेजों का समय आया, ये स्मृतियाँ शेष नहीं है वहाँ पर, इनको आपको और हमें सामूहिक रूप से इकट्ठा करना पड़ेगा। वीर गोकुला का नाम लिया जाता है तो जन्मभूमि का नाम आता है और जन्मभूमि को केशव राय मंदिर कहा जाता था, उसे तोड़ करके 1 जनवरी 1670 को मस्जिद बना दी जिसे ईदगाह कहते हैं, और वीर गोकुला जी का कोई भी नाम निशान नहीं है न उस केशव दयाराम मंदिर का है। आपने बात की गोधन परिक्रमा की और जी दोनों क्या कनेक्शन बनोगा? देखिए हमारे यहाँ आप जानते हैं मुड़िया मेला लगता है, ये काफ़ी पुराना है और गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, हमारी हिंदू बहन बेटियाँ वहाँ अवश्य जाती हैं। वहाँ पर आप देखते थे इनका एक काजी होते थे, काजी हरा सा अंदर नीचे नीचे तक पहनते थे कि उसके हाथ में जो चमड़े का वो रहता था कटोरा सा, उसे लेके घूमते थे। उनका यही काम था कि जो भी लड़की रूपसी है जिस नगर में गाँव में उसे लेकर के चले जाते थे बादशाह के लिए और खबर देते थे। ऐसी लड़कियों को देखते थे कि भाई यहाँ से देखा ये लड़की कहाँ से आई है, तो ऐसे ही नगला काजी बसा हुआ है लोहवन के पास में। अच्छा। और दूसरी बात बताई जाए, जहाँ पर गोकुल में वीर गोकुला रहते थे, रावल जो पुराने गांव हैं, हिंदू धर्म के मुख्य गांव हैं या नगर हैं, वहाँ पर इस समय कोई भी किसान जाट परिवार नहीं रहता। उन्हें इस प्रकार से बहलाया गया है, बहकाया गया है कि यहाँ जाटों को छस्ता नहीं है, यहाँ मर जाते हैं, ये सिर्फ 1670 के बाद हुआ है। अच्छा। जिस साइड में रहता हूँ लोहवन में, वहाँ ये परंपरा है बहुत प्राचीन कि यहाँ जो जाट रहा उसकी पत्नी मर गई, उसके बच्चे मर गए, पहला जाट जो जिसे इतिहास की जानकारी थी, मैं चिकित्सक होते हुए भी इन कुरीतियों से दूर होते हुए मैंने उसी साइड घर खरीदा लोहवन में, किराए से आया था। किराए से आने के बाद उस इतिहास को मैंने सभी लोगों को बताया। अब 3-4 जाट रह रहे हैं मेरे साथ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ कारण यही था इस साइड ये रहेंगे, ये विद्रोही और बगावती स्वभाव के लोग हैं, इन्हें दूर रखा जाए, और उसके लिए मुगलों की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया होगा। ये बड़ा ही अच्छा इतिहास है वीरभूमि शिवरा का भी, इस ब्रजभूमि का जब आता है तो इस कौम का नाम जरूर आना चाहिए। कौन-कौन से गांव हैं जहां पर जाटों को रहने के लिए मना किया गया है? एक तो लोहवन है, लोहवन हो गया, लोहवन में नहीं रह सकते। रावल है जहां राधा रानी का जन्म हुआ था। अच्छा।
इस गांव में भी पहले जाट रहा करते थे, लेकिन अब कोई जाट नहीं रहता। अच्छा। गोकुल है जहाँ खुद गोकुला का नाम, ओला का नाम, हाँ। मृदु सिंह के बेटे थे, हाँ। उनका है जो गोकुला नाम गोकुल की वजह से पड़ा, गोकुल में कोई भी जाट नहीं रहता। अच्छा। ये सबसे बड़ी विडंबना है, उसी समय से चली आ रही है मुगलों के काल से। उसके बाद महावन में कोई जाट नहीं रहता, नगला काजी है वहाँ कोई जाट नहीं रहता, आगे चलेंगे अजय नगर है वहाँ कोई जाट नहीं रहता, उससे आगे चलेंगे सुखदेवपुर है कोई जाट नहीं रहता। ये मेरा सब पूरा तरीके से पूरे क्षेत्र की जानकारी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। सबका इतिहास वही 1670 का निकल के आता है, जो औरंगजेब के डर की वजह से ये कहानी गढ़ी गई, मनगढ़ंत कहानी है, इसका कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। गोकुला जी का पतन नहीं कहूँगा, मुगल काल के पतन की नींव रखना कहूँगा उस समय को मैं। वो तो बलिदान है, और बलिदान अपने देश धर्म के ऊपर होता है, तो ये तो हमारे डीएनए की सबसे बड़ी पहचान है का हमारे डीएनए ने हमेशा देश और धर्म के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद में भरतपुर रियासत का उदय हुआ चूड़ामन जी के नेतृत्व में। चूड़ामन जी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि हम जाट वंश के हर कार्य सच कहना हमारी परंपरा, और हम चूड़ामन के वंशज हैं जो बाबर अकबर से नहीं डरा। तो उन्होंने तो जहांगीर की बेगम से भी जजिया कर ले लिया था, वो जजिया कर जब हिंदुओं पर लगाया गया तो बोले कि मैं लेके दिखाऊंगा। तो चूड़ामन ने तो भरतपुर की सीमा में से मुगलों का जाना ही बंद कर दिया था। उसके बाद है जो मुगलों का सने सने पतन होता गया, औरंगजेब 1707 में ख़त्म हो गए। उसी समय 13 फरवरी 1707 को महावीर महाराजा सूरमल जी का जन्म हुआ देवकी और राजा बदन सिंह के यहाँ पर, और उन्होंने तो फिर अपना राज्य रोहतक, हरियाणा, आपका मैनपुरी, औरैया, इटावा, कालपी, शिवपुरी, नरवर सब जगह फैलाया। जानकारी सबसे पहले तो इनकी पुस्तक थी ठाकुर देशराज जी के द्वारा लिखी हुई, उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है। देव संहिता जहाँ से ओरिजिन आप जाट हिस्ट्री कह सकते हैं आप, के महादेव जी और पार्वती जी का जो संवाद हुआ है जैसे गीता में हुआ है, उसमें उन्होंने बताया गया महाबला महावीर या पराक्रमा आदिकालीन सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें, उनका पूरा इतिहास इन्होंने लिखा है ठाकुर देशराज जी ने। फिर उसके बाद में ईरान के एक आए हैं, उन्होंने भी लिखा है, अंग्रेजों ने भी इतिहास को लिखा है, और इसके बाद हमारे जाट समाज पत्रिका चलाते, मैंने आपको नंबर भी दिया था, राजेंद्र फौजदार जी उनके पिताजी चलाते थे, समरवीर गोकुला एक पुस्तक लिखी और उसमें भी वर्णन है, और विस्तार पूर्वक वर्णन है समरवीर गोकुला जी की पुस्तक में। मैंने कई किताबें देखी हैं कि एक-एक पन्ना है जाटों के इतिहास में, गोकुला जाट के बारे में एक एक पन्ना है, जानकारी नहीं है। एक्चुअली में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, जब महादेव पार्वती जी से संवाद करते हैं महाबला महाप्रक्रमा किंचित प्रकाशते न भासते, इतना महाबली और महाप्रक्रमी और इतना बड़ा व्यवस्थाली इतिहास है, क्यों इसे नहीं प्रकाशित किया जाता न बताया जाता है। तो उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है संस्कृत में है, तो गर्भ खर्चोद विपणाम देवानाचा महेश्वरी, उन्होंने कहा है हे महेश्वरी ब्राह्मणों का विप्रों का और देवताओं का गर्भ खर्च होता है इनका इतिहास बताने। जो लिखने वाले वो हैं, जो लेखक, मैं जाति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लिखने में सक्षम थे उनका गर्भ खर्च होता है वो नहीं बताते, क्योंकि उसमें एक पंक्ति है श्रेष्ठ आदि महामायो वीर भद्र सक्तता ब्रह्मपुत्र से दक्षिण पुत्री गणी गर्भस्य जाट जट आ महेश्वरी। वो कहते हैं हे महेश्वरी जाटों की उत्पत्ति होती है सृष्टि के आदि में योग माया के प्रभाव से, वीरभद्र जी और ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री गणी के गर्भ से जो जाति पैदा हुई वो जाट है। सब ये अब हिंदुओं की सरकार बनी जाती है यूपी में, केंद्र में भी अब तो कुछ सम्मान मिलेगा। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं की सरकार मानी जाती है, तो मैं हिंदुओं की सरकार में ही वीर गोकुला जी की मूर्ति रखाई थी फुवारा चौक पर, हटवा दी गई, मंदिर में रखी है, अंदर कमरे में रख दी गई है, कहाँ सम्मान दिया। मुझ पर 5 मुकदमे लिखाए गए, मैं कहता हूँ फांसी लगा दो लेकिन मूर्ति लगा दो। मैं एक चिकित्सक हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, लेकिन महान व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूँ कैसे क्या। एक महाराज सूर्यमल जी की डैम्पियर नगर में काफी पुराने समय से लगी थी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी ने कहा था, 7 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, विनोद अग्रवाल जी ने कहा जो RSS और भाजपा के नेता हैं, कम मैं 1984 से देख रहा हूँ, वो मूर्ति डैम्पियर नगर से हटा दी गई।
ये हिंदूवादी सरकार है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। महाराजा सूर्य और वीर गोकला से बड़ा त्यागी बलिदानी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने वाले, उनका ही सम्मान नहीं है तो फिर किसका होगा। अभी आगरा में आपने देखा था एक साल पहले के शिवाजी के नाम पर मुक्त संग्रहालय का नाम रखा जाएगा। शिवाजी फलों की टोकरी में, मैं ये नहीं कहूँगा शिवाजी का पूरा सम्मान है, लेकिन फलों की टोकरी में छुपते जा रहे हैं, ये कायरता का ही परिचय है, किसी बहादुरी का परिचय नहीं है। औरंगजेब के डर से फलों की टोकरी में जा रहा है, उसके नाम पर होगा। जबकि विजय, आगरा विजय की महाराजा सूरजमल जी ने, उनके नाम पर संग्रहालय का नाम क्यों नहीं होगा। वीर गोकुला जी ने वहाँ सबसे बड़ी शहादत दी, उनके नाम से कुछ भी नहीं, एक मूर्ति नहीं, कोई जगह नहीं, स्थान नहीं, तो ये तो अनदेखी हो रही है। सब क्या आप इतिहास पुस्तकों में उल्लेख नहीं है कोई इनका? सारा उल्लेख है। अभी हिंदू धर्म के ठेकेदार आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा ये वीर गोकुला की महान भूमि है। चुनाव के समय पर तो सब हिंदू हिंदू जो हो जाते हैं जाट महापुरुष, हालांकि महापुरुषों की जाति नहीं होती, बट लेकिन जब जब जाटों की बात आती है तो महापुरुषों को उसमें बांध दिया जाता है। सबसे बड़ा बलिदान देने वाले वीर गोकुला जी को आप चुनावों के समय कहते हैं, लेकिन स्मारक नहीं बना सकते। राजकीय उद्यान के पार्क को नाम दिया गया है। देखिए राजकीय उद्यान का पार्क आप वहाँ दे दो, वहाँ फतेहपुर सीकरी में, यहाँ क्यों नहीं दे रहे जहाँ पर शहादत हुई थी। अभी मेयर जो प्रवीण जैन हैं, उन्होंने कहा था राजकुमार चाहर जी के साथ में कि वीर गोकुला जी की मूर्ति लगाई जाएगी फुवारा चौक पर। कुछ वैश्य समाज के लोगों ने, अग्रवाल समाज के लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, उसके बाद बोला लाल किले पर लगेगी। लाल किले पर लगानी है तो मांग करता हूँ राजा जवाहर सिंह की लगाइए, जिनकी शहादत लाल किले में हुई थी, जिन्होंने दिल्ली को फतेह किया था, मुगलों की बेटी पोती को लेके आए थे, औरंगजेब की पोती शाहआलम की बेटी को ब्याह के लाए थे और फिर अपने सेनापति को दे दी थी, दिल्ली जीती थी, उनकी शहादत हुई है लाल किले के अंदर, उनकी मूर्ति लगाई जाए, जो हमारे संगठन का प्रण भी है कि हम जवाहर सिंह की मूर्ति लगाना चाहते हैं। और यदि मैं जीवित रहा तो आप साथ में रहेंगे, मैं मूर्ति अवश्य लगवाऊंगा वहाँ। तो बाधक कौन बन रहा है? बाधक सरकार बन रही है, बाधक ये हिंदूवादी सरकार बन रही है। ये मूर्ति जो हटाई गई थी सूरजमल जी की, बोला था 24 घंटे में लगा देंगे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जी ने, मेरी बात को स्पष्ट तरह से और उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने बोला था 24 घंटे में लगेगी, और जाट समाज से ही आते हैं और उन्हें टिकट भी इसी बात से मिलता है कि ये जाट हैं, लेकिन वो अपने वचन पर बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। सर मैं गोकुला जाट जिस तरह का उपन्यास लिख रहा हूँ। जी जी आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं इसी में खुलबीन कर रहा हूँ पूरा, आपके पास ले आया हूँ कि आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा है। जी जी, आपके पास जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जी चलिए, आपकी जाट समझ लेता हूँ, उनको जानकारी नहीं है, जाट लोगों को जानकारी नहीं है। इसमें आपके इस तरह से क्या पुस्तकों की बिक्री में लोग कुछ लोगों पुस्तक में क्या सहयोग हो सकता है? आप पुस्तक लिखेंगे जो भी हमारा सहयोग तन मन धन से हम आपके साथ हमारे साथ में एक एडवोकेट हैं नैयर साहब, रघुनंदन नैयर, वो मानवाधिकार में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, वो आते रहते हैं। उन्होंने कहा 1008 फुट की मूर्ति लगाने का विचार है। मैं रात्रि में उनके साथ गया, उनका विचार मैंने देखा कि वो ये जो ईदगाह है इसके पीछे भी जाते हैं, ईदगाह के आसपास मुस्लिम समाज की जो जमीन पड़ी है या उनका उस पर वर्चस्व है, तो उनसे भी कहते हैं जो भी कीमत ले ली ले लीजिए, मुझे यहाँ आके नक्शा दिखाते हैं। यदि ऐसे लोग हम संगठित होते हैं तो कोई कार्य असंभव नहीं है। वो ये कहते हैं यदि सिख धर्म में होते वीर गोकुला तो आज सोने का गुरुद्वारा बना हुआ होता। दुर्भाग्य ये है वीर गोकुला हिंदू धर्म में पैदा हुए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए, पूरे परिवार सहित, पूरे परिवार सहित, बहन भी, ताऊ, माँ, बाप, सबको, लेकिन कुछ भी नहीं, डाक के 3 पात। आगरा में सुभाष बाजार में पुरानी कोतवाली है, मुगलों के समय की, जहाँ पर आजकल कोचर भी चलता है, वह स्थान मैंने खोजा है जहाँ पर गोकुला जी का बलिदान हुआ। उसके सामने पार्क है, वो चबूतरा है, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। जी जी, हम पता भी हनुमान जी कहते हैं, मैंने फोटो को लाइव, प्राचीन हनुमान मंदिर उस पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे इन्हें काटा गया था, उसी पेड़ के नीचे पीछे की साइड है, और गोकुल नगर उसके पीछे बसाया गया है,
उसको गोकुल नगर उसी फुवारे चौक के पीछे बसाया गया। पुरातत्व विभाग ने बहुत छोटे मॉन्यूमेंट बना रखे हैं, पर इतना महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट उसने नहीं बनाया, नहीं किया, वहाँ पोस्टर चल रहा है। अब उसको फुवारे चौक का नाम बिना किसी परमिशन के अग्रसेन चौक कर दिया गया है। आपने देखी उस लापटका लगी है अग्रसेन चौक की, पीतल की मूर्ति बनी है अग्रसेन जी की। वैश्य समाज उस पर अपना दावा करता है कि ये वैश्य थे, मैं कहता हूँ सूर्यवंशी जाट थे। अग्रोहा हिसार से लेकर के अग्रसेन जी का अग्रवन तक था राज्य, वो सूर्यवंशी क्षत्रिय जाट थे। वो किसी भी एंगल से थे ही नहीं वैश्य। जो 18 पुत्र बनते हैं वो 18 उनके दरबारी थे, इसलिए उन्हें बोला गया है बनिए यानी पुत्र बनिए। मेरी बात को नोटिस किया जाए, पुत्र बनिए, और इस बात को गुप्त रखा जी। इसलिए यह गुप्ता या गुप्त लिखते हैं, यही मेन कारण है। नहीं तो मुझसे आज डिबेट कर ले, मैं तो 1,00,000 रुपए हमारे संगठन की ओर से इनाम और रखा है। कोई वैश्य समाज का व्यक्ति या नेता आकर के ये कह दे कि अग्रसेन जी सूर्यवंशी जाट क्षत्रिय नहीं थे तो 1,00,000 रुपए मैं दे दूंगा, प्रमाणों के सहित आकर के बताए। सब कहा तो यही आता है कि सूरदास जी भी जाट थे, बिल्कुल जाट थे, तेवतिया जाट और थे लम्ही गांव के। मेरे पास श्री कृष्ण शर्मा जी की होली गेट पर एक वो हुआ था कवि सम्मेलन आज से 55 वर्ष पहले, श्रीकांत शर्मा जी ने उसमें खुद कहा है, श्री कृष्ण शर्मा जी उन्होंने कहा, उनके एक पुस्तक भी है मेरे पास, उसका कटिंग भी रखी हुई है। सूरदास जी तेवतिया जाट थे और बल्लभगढ़ के पास रहने वाले थे। कुछ विद्वान ये कहते हैं सारस्वत ब्राह्मण थे, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने जब डाला सारस्वत ब्राह्मणों को, जो महासभा के पदाधिकारी थे उनको टैग किया, उन्होंने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, क्योंकि ब्राह्मण खुद कह रहे हैं हमारे तो पुरखे अनपढ़ थे सब, मेरी माँ अनपढ़ है, मेरे ताऊ अनपढ़ है, मेरे ताई अनपढ़, लिखने वाला तो ब्राह्मण समाज है, और ब्राह्मण समाज जो लिख देता है उसे हम पढ़ लेते हैं। एक लाइन का लिखे, चाहे एक पन्ने का लिखे, या कोई पुस्तक लिख दे। अब आपको रावण संहिता मिल जाती है, विश्राम घाट पर रावण संहिता मिल जाएगी, देव संहिता नहीं मिलती है, क्या कारण है? जबकि देव संहिता तो सब जानते हैं, देव संहिता वेद व्यास जी ने लिखी थी। उसमें सिर्फ यही है कि वर्णन महादेव जी का पार्वती जी के मुखारविंद से, जैसे गीता में कृष्ण उवाच अर्जुन उवाच, उसमें महादेव उवाच पार्वती उवाच, महादेव उवाच पार्वती उवाच, जो कि देशराज ठाकुर देशराज जी की जो जगीना के थे उन्होंने लिखी। कुंवर नटवर सिंह ने पुस्तक लिखी, उसमें वर्णन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की पुस्तक में वर्णन है जाटों का गौरवशाली इतिहास, उसमें वीर गोकुला जी का भी वर्णन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय लिया हमने। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अमर उजाला परिवार के लिए धन्यवाद।